गाइस, आज हम अपना मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। कल हमने जो डेरिवेशन किए थे अपने मोशन के इक्वेशंस को ग्राफ के द्वारा ड्राइव किया था, और आज हम जो एनसीईआरटी को सॉल्व एग्जांपल्स एंड टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर इस लेक्चर में नहीं हो पाता तो एक और लेक्चर लेंगे जिसमें हम बचे कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के और कुछ एक्स्ट्रा हाई लेवल के क्वेश्चन उसमें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि हमने कल कहाँ तक किया था। ओके, ठीक है। तो हाँ, एग्जाम्पल देख रहे थे। सबसे पहले हम 8.1 मोशन चैप्टर है हमारा फिजिक्स का, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, कुछ कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें थ्योरी में छूट जाती हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो उससे क्या है कि जो कंसेप्ट हमारा रह जाता है वो क्वेश्चंस के द्वारा सॉल्व हो जाता है। तो एग्जांपल जो है 8.1 लेके हम चले हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। ठीक है, 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है 4 सेकेंड में 16 मीटर चलती है, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। और नेक्स्ट, ये था फर्स्ट केस। दूसरी बार में वो क्या करती है कि 16 मीटर की ही डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लेकिन इस बार उसने क्या किया कि टाइम कम लिया है, 2 सेकंड्स का टाइम लिया है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड मुझे बतानी है। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार कि एवरेज स्पीड है क्या। नॉर्मली हम मैथमेटिक्स में जैसे एवरेज निकालते हैं कि टोटल नंबर अपॉन टोटल कोई भी नंबर दिए हुए हैं, जैसे 5 प्लस 6 प्लस 7, इसका मुझे एवरेज निकालना है, तो डिवाइड बाई 3, क्यों, क्योंकि 3 नंबर है। तो एवरेज स्पीड भी सेम उसी तरह से निकलेगी। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है बॉडी की, 16 मीटर ही हो गई, 16 मीटर ही हो गई। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज 16 प्लस 16 32 मीटर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 32। टोटल टाइम कितना है, 4 सेकंड ही है, 4 सेकंड ही है, टोटल टाइम कितना होगा, दैट इज 6 सेकंड। तो ये मेरी एवरेज स्पीड आ गई। इसको मैं क्या करता हूं, 16 डिवाइड बाई 3, 5.3 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई मेरी एवरेज स्पीड 5.3 मीटर पर सेकेंड। ये थी कि एवरेज स्पीड कैसे निकाले। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछता कि इन दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की इंडिविजुअल स्पीड क्या थी, यानी कि इस वाले केस में ऑब्जेक्ट किस स्पीड से चली और इस वाले केस में ऑब्जेक्ट किस स्पीड से चली, तो ये वाला केस भी देख लेते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से ये वाला केस देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो आया था एवरेज स्पीड का, वो आया था 32 डिवाइड बाई 6, दैट इज 3.15, सॉरी 3.5, 5.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाँ अब देख लेते हैं ये वाला केस, इसमें स्पीड क्या होगी। इस बार हम एवरेज स्पीड नहीं लिख रहे, सिर्फ स्पीड टर्म हमने यूज किया है। स्पीड क्या होगी, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी थी, 16, टाइम कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड रही है। दूसरे वाले केस के लिए देखते हैं। ठीक है, दूसरे वाले केस में स्पीड क्या, जो फॉर्मूला है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 16, टाइम कितना है, 2, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो इस वाले केस में चली है और 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो इस वाले केस में चली है, और एवरेज स्पीड निकाली है तो एवरेज स्पीड मेरी 5.3 मीटर पर सेकेंड आई है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ओके। इसे देखिए यहाँ पर, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप लोग तब तक
क्वेश्चन को देखिए। ओके हाँ, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो पहले पांच है वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 8.2 हम देखते हैं। हो गया यहां तक ठीक है। एग्जाम्पल है द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। हाँ, ओडोमीटर वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी था आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मीटर, कि जो ऑटोमोबाइल के अंदर ओडोमीटर लगा होता है उसमें किस चीज को हमें शो करता है, वो शो करता है कि हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो यही क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8.2 में कि ओडोमीटर दिया हुआ है किसी भी कार का ओडोमीटर, जब हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी, ठीक है, स्टार्टिंग में वो कितने पे था 2000 किलोमीटर शो कर रहा था, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर दैट इज 2400, एंड ऑफ द ट्रिप में कितना था वो 2400 किलोमीटर। तो हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 400 किलोमीटर की हमने डिस्टेंस ट्रेवल हम कर चुके हैं, ठीक है। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, अगर हमको जो टाइम दिया हुआ है वो है 8 आवर्स का, दैट इज 8, मैं इसको मिनट में बदलू तो 8 × 60 मिनट्स हो गए, और सेकंड में बदलू तो इतना सेकंड्स हो गए। ऐसा यूनिट में टाइम की जो यूनिट है ऐसा ही वो सेकंड्स है, ठीक है, इसलिए हमने इसको सेकंड में लिया है। अब हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आर और मीटर पर सेकंड में हमको इसकी एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है। देखिए पहले हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे दोबारा से। फॉर्मूला हर बार या बार बार हम इसलिए लिखते हैं जिससे कि हमको लिख लिख के चीज याद हो जाए, तो आप भी कोशिश करना कि हर बार फॉर्मूला लिखें जिससे कि आपको भी फॉर्मूला याद हो जाए। एवरेज एवरेज स्पीड का है दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर कितनी है 400 किलोमीटर, ठीक है, और टोटल टाइम कितना है 8, ठीक है। दिस इज किलोमीटर एंड टाइम इज एन आवर, ठीक है, तो ये कितना बार कटेगा 8 × 50 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया हमारा पहला आंसर एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, कि किलोमीटर पर आवर में कार की जो एवरेज स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमको 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं, दैट इज 50 किलोमीटर अपॉन आवर, ये इसका मतलब है। तो 50 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स, तो 60 मिनट इज इक्वल्स टू 60 × 60 सेकंड्स, तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 × 60 सेकंड्स, ठीक है। इस चीज को हम यहां पे पुट करेंगे तो 50 × 1000 ये मीटर हो गया, और एक घंटे में कितने सेकंड्स होंगे 60 × 60, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये हमने कन्वर्जन किया है कि कैसे हम मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्जन करते हैं। ओके हमारा बचा आगे देखिए, यहां पे देखते हैं 50 × 1000 डिवाइड बाय 60 × 60, ओके ये हो गया 500/36, यहां से आ गया ये 13.9 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 500/36 ओके 3.9 मीटर पर सेकंड।
इसको हम इतना ना करके, कोई अगर हमको चीज किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और उसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं, तो सीधा सा फॉर्मूला है कि जो भी चीज हमको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो चीज मीटर पर सेकंड में खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। अगर आगे कोई क्वेश्चन आता है ऐसा तो हम उसमें सीधा का सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस चीज को आप लोग याद रखना, ठीक है। ये कन्वर्जन था कि 1 मीटर कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर एंड 1 आवर बराबर 60 मिनट्स एंड 1 मिनट्स बराबर 60 सेकंड। तो 60 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 60 into 60 सेकंड, तो बराबर में ये हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 8.2। ओके, आप लोग देखिए, अब देखते हैं एग्जांपल 8.3 क्या कहता है। उषा, ठीक है, एक बार देख लीजिए आप इस एग्जांपल को। चलिए, एग्जाम्पल 8.3। उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा तैरती है एक 90 मीटर लंबे पूल में। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। हमें उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का पता लगाना है कि उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। ठीक है, तो हमको जो है पूल की लेंथ कितनी दे रखी है, दैट इज लेंथ ऑफ पूल 90 मीटर, 180 मीटर इन 1 मिनट। तो वो कितना कवर करती है, कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो 180 मीटर कवर करती है, और 180 मीटर कवर कैसे होगा, जाना और वापस आना, ये होगा मेरा 180 मीटर। अब मुझे क्या है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मुझे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट है और एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस है। अब देखो, सपोज करो दिस इज द पूल, ठीक है, ये क्या है, ये पूल है। ओके, ये 90 मीटर लॉन्ग है। उषा ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, वो जा रही है, पॉइंट बी तक गई, 90 मीटर हो गया। वापस पॉइंट बी से पॉइंट ए पे आई, तो 90 आने में दैट इज 180 मीटर हो गए, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 180 मीटर। टोटल टाइम दिया हुआ है मुझे 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, तो मैंने टोटल टाइम कर दिया इसको 60 सेकंड्स, ये आ गया 3 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड आ गई उसकी 3 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, क्या एवरेज वेलोसिटी भी 3 मीटर पर सेकंड आएगी, इससे ज्यादा आएगी, इससे कम आएगी, क्या आएगी, हाँ बताइए बताइए। नहीं पता, क्यों पढ़ते नहीं है ध्यान से, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई साहब, ऐसे काम नहीं चलने वाला। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन।
इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो पाथ है वही तो क्या है मेरा शॉर्टेस्ट पाथ, सॉरी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा से छोटा रास्ता जो है वही तो मेरा डिस्प्लेसमेंट है। और मैंने एक चीज और बताई थी कि व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड टू ईच अदर एट दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। तो इस केस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों मेरी एक ही जगह पे है, यहां पे ए पे, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो टाइम कितना भी हो, टाइम तो कितना लगा उसको 1 मिनट, दैट इज 60 सेकंड्स, 0 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी उसकी कितनी आई है 0 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड आने का मतलब ये नहीं है कि बॉडी रेस्ट में ही है, बॉडी ने मूवमेंट नहीं किया बॉडी, तो ये बात एकदम गलत है। 0 मीटर पर सेकंड आने का मतलब है, जीरो एवरेज वेलोसिटी आने का मतलब है कि बॉडी ने जहां से स्टार्ट किया था बॉडी वहीं पे है अभी, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। एवरेज वेलोसिटी का अगर जीरो आ रही है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, ये होता है अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो है। तो इस केस में हमने देखा कि एवरेज स्पीड तो हमारी 3 मीटर पर सेकंड है लेकिन एवरेज वेलोसिटी हमारी 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल देखते हैं अगला कौन सा है, 8.3 था, 8.4 तुमने किए कुछ क्वेश्चंस भाई, किए थे फिर प्रॉब्लम नहीं आई था ना कुछ आई थी, हाँ जो मुझे तो बोल रहा है यहाँ नहीं नहीं आई थी, सफेद सफेद झूठ बोल रहे हैं, बच कर जाओ के कहाँ तुम। चलो देखते बच कर कहाँ जाओगे हमसे। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है एग्जांपल आपका 8.4। अगर स्टेशनरी पोजीशन दे रखी है इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है जीरो। यू से हम किस चीज को रिप्रेजेंट करते थे इनिशियल वेलोसिटी को। अगर ऐसे टर्म क्वेश्चन में यूज हुए कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन, तो उस केस में क्वेश्चन हमको क्या बताना चाहता है कि जो हमको यू की वैल्यू पुट करनी है, यू की वैल्यू हमको जीरो पुट करनी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम पे हमको जीरो लेके चलनी है, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। ओके, रेस्ट से स्टार्ट हुआ कौन, राहुल किस से चल रहा था बाइसिकल से, उसने क्या कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ आफ्टर 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकंड हो गई। दिस इज द फर्स्ट केस। देन ही अप्लाइज ब्रेक, उसके बाद उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया। अब ब्रेक लगा रहा है तो सीधी सी बात है उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी, बहुत बढ़िया घटेगी। तो उसकी स्पीड क्या होगी 6 मीटर पर सेकंड से कम हो जाएगी यानी कि घटेगी, ठीक है। अब क्या है कि 4 मीटर पर सेकंड पर उसकी स्पीड आ गई इन द नेक्स्ट 5 सेकंड, और उसने ब्रेक कितने टाइम के लिए लगाए 5 सेकंड के लिए। अब हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस, ये दो केस हमारे पास बने, ठीक है। पहला वाला केस तो ये है कि जब वो जीरो से स्टार्ट होकर उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया, तो एक केस तो ये है। दूसरा केस ब्रेक्स वाला है, जब उसने ब्रेक लगाया तो उसकी स्पीड कम हो गई। अब इन दोनों केसेस में मुझको एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फॉर्मूला हमको बताना चाहिए। एक्सेलरेशन निकाल दें फर्स्ट केस, दैट इज वी माइनस यू अपॉन टी। फॉर फर्स्ट केस वी कितना है, पहले वाले केस के लिए फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी है उसकी 6 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि पहले वाले केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है, क्यों, क्योंकि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया था, इसलिए
पहले वाले केस के लिए यू की वैल्यू जीरो है और वी की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड है. तो एक्सीलरेशन फॉर द फर्स्ट केस दैट इज 6 माइनस 0 अपॉन द टाइम टेकन बाय द राउंड इज 30 सेकंड्स. ठीक है, तो इस केस में दैट इज 6/30 दैट इज 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सीलरेशन की यूनिट याद रखना बहुत जरूरी है, 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम करेंगे तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं. हाँ आगे ठीक है. नेक्स्ट वाला केस समझते हैं, ये था फॉर द फर्स्ट केस. अब सेकंड वाले केस के लिए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, दैट इज वी माइनस यू डिवाइड बाई टी. ठीक, अब सेकंड वाले केस के लिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरी? 4 मीटर पर सेकंड. क्यों? फाइनल क्या होती है? जब हम उसमें ब्रेक या एक्सीलरेट कर दें उसके बाद जो वेलोसिटी बनेगी उसे फाइनल कहते हैं. तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटी बनेगी या एक्सीलरेट अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटी बनेगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी, और उससे पहले की जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, तो इस वाले केस में हमारी फाइनल वेलोसिटी 4 है और इनिशियल वेलोसिटी 6 थी. ये जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है वो पहले वाले केस में हमारी फाइनल वेलोसिटी थी. तो 4-6 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा हमको यहां तक आने में? 5 सेकंड. तो 4-6 दैट इज -2/5 मीटर पर सेकंड. अब एक्सेलरेशन में हमारे में माइनस आंसर आया, माइनस में आया. तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि हमने ब्रेक अप्लाई की, मतलब पहले वाले केस में हमारा आंसर पॉजिटिव में था, तो इसका मतलब क्या था कि हमारी जो वेलोसिटी थी वो एट अ रेगुलर इंटरवल टाइम पे इंक्रीज कर रही थी. अब माइनस क्या शो करता है? माइनस शो कर रहा है कि मेरी वेलोसिटी घट रही है. देखो पहले 6 थी अब 4 है, तो ये माइनस डिक्रीमेंट को शो कर रहा है यहां पे कि एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव की तरफ जा रहा है. ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8.4, एग्जांपल नंबर 8.4. अब देखते हैं एग्जांपल 8.5. ठीक है, हाँ एग्जांपल 8.5. एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब है कि वेलोसिटी मेरी घटती हुई जा रही है, और एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि मेरी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है. ठीक है ना, नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं. एग्जांपल 8.5. ओके, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. पहले ही बताया था कि अगर रेस्ट जैसा टर्म अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सीधा सीधा किसके लिए? जिससे कि हम लिख सकें कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है. ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स. टाइम दिया हुआ है मुझे 5 मिनट्स का. ओके, दूसरी तरफ दिया हुआ है कि उसने जो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है 72 किलोमीटर पर आवर. अब देखो सबसे पहली चीज, हमारे मोस्ट ऑफ द आंसर्स गलत क्यों हो जाते हैं कि हम यूनिट्स का ध्यान नहीं रखते. किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है. ठीक है, हो सकता है हमसे मीटर पर सेकंड में पूछ ले, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर मिनट में, तो कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में. हमको ध्यान देना है कि वो पूछ किस यूनिट में रहा है. तो सबसे पहले हमको यूनिट कन्वर्जन करना होगा. हम करते हैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, अब ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, मिनट का ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 5 × 60 दैट इज 300 सेकेंड्स. ओके, अब इसको करते हैं. मैंने पहले कहा था कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मीटर पर सेकंड में. कितना दिया हुआ है? 72 टोटल दैट इज 20 मीटर पर सेकंड. तो या तो 72 किलोमीटर पर आवर कह लो या 20 मीटर पर सेकंड कह लो, बात एक ही है. ठीक है ना. ओके, चलो मैं इसे लिख देता हूं, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड. ये भी 5 मिनट्स को मैं कितना लिख सकता हूं? 300 सेकंड्स. ठीक है, इतना मुझे पता चल गया अभी यहां तक. आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. Assuming that the acceleration is uniform. Uniform acceleration का क्या मतलब है? कि acceleration की value constant. अगर मान लो acceleration की value है 2, तो for the whole journey acceleration remains the constant. उसकी value constant बनी रही. Constant acceleration का मतलब है कि जो change in velocity जो हो रहा है
वो रेगुलर इंटरवल पे रेगुलर चेंज हो रहा है, ये मेरा होता है ठीक है। फर्स्ट द मुझे फाइंड आउट द एक्सीलरेशन, मुझे एक्सीलरेशन निकालना, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या होगा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी ठीक है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 300 सेकंड्स, दैट इज 20 डिवाइड बाय 300, दैट इज 2 बाय 30, दैट इज 1 बाय 15। और इसको मैं सॉल्व करूं तो 0.100 हो गया, 0.6 ठीक है, ये हो गया मेरा 0.6, या फिर मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूं 0.06। एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ 1/15 तक दिखा रखा, तो हम उसको उतना छोड़ देते हैं 1/50 मीटर पर सेकंड। ये जो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जरूर याद होनी चाहिए कि ये यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की है, मीटर पर सेकंड स्पीड वेलोसिटी की है, मीटर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की है, सेकंड टाइम की है, ये यूनिट जरूर पता होना चाहिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर इसका, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, हमको निकालना है कि इस वेलोसिटी को देखो, उसने स्टार्ट किया था 0 से ठीक है, आफ्टर 300 सेकंड्स, 300 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। अब ऐसा तो है नहीं कि जो ट्रेन ही है ना, हाँ जो ट्रेन थी वो 0 से सीधा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी एक ही जगह पे खड़ी खड़ी, नहीं हो सकती, तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, तो इस डिस्टेंस को निकालना है हमको ठीक है, हमको वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस थ्रू विच द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन चेंजेस फ्रॉम 0 टू 20 मीटर पर सेकंड ठीक है। चलिए देखते, हमको यू दे रखा है, वी दे रखा है और एस हमको फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास तीन इक्वेशन है, वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू एस ठीक है। तो पहली वाली इक्वेशन से तो हम एस निकाल ही नहीं सकते क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में एस कहीं है ही नहीं, दैट इज डिस्टेंस है ही नहीं पूरी इक्वेशन में कहीं। दूसरी और तीसरी वाली में प्रोबेबिलिटी है कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन में टाइम भी है लेकिन हमारे पास इसमें टाइम दिया हुआ है ठीक है, एक्सीलरेशन भी है टाइम है ठीक है, इस वाली इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। हाँ थर्ड वाली इक्वेशन को देखो, इसमें वेरिएबल ज्यादा है सेकंड वाली में, लास्ट वाली में वेरिएबल कम है, v पता है, u पता है, एक्सेलरेशन पता है, डायरेक्ट यहां से s निकाल सकते हैं, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। इस वाली इक्वेशन को लगाना इस वाले क्वेश्चन के लिए इजी रहेगा एज कंपेयर टू दिस वन। इस वाली इक्वेशन से भी हम s निकाल सकते हैं लेकिन इसमें हमको टाइम का स्क्वायर करना होगा और टाइम है 300 सेकंड जो कि एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा हमारे लिए, तो हमने ये वाला सिंपलेस्ट वे यूज किया है ओके। हमने थर्ड वाली इक्वेशन हम लगाएंगे इसके लिए वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है तो इसको लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं, डिवाइड बाय 2 इनटू a। एक्सीलरेशन कितना है 1/15, 1/15 15 गोज अबव, 15 ऊपर चला जाएगा ठीक है, यहां से 2 से 10 टाइम्स चला गए और ये कितना हो गया 300 इंटू 10, तो यहां से ये वाला कितना आ गया दैट इज 3000। अब आगे क्या आएगा, मीटर किलोमीटर क्या आएगा, ये बात ये वाली बात सोचने की। तो देखो हम स्टार्टिंग से अपनी यूनिट्स को किस में लेके चले, मीटर पर सेकंड में लेके चले, तो ये वाला क्या आएगा 3000 मीटर ठीक है, या तो आंसर 3000 मीटर दे रखा होगा। दूसरी बात हम जानते हैं कि 1000 मीटर किसके बराबर होता है 1 किलोमीटर के, तो 3000 मीटर किसके बराबर हो जाएगा 3 किलोमीटर के, तो यहां से हमारी डिस्टेंस आ गई, यानी कि जो ट्रेन है वो जो इस 0 से स्टार्ट हुई है और फाइनल वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकंड हुई है, उसने 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है, उस 3 किलोमीटर के डिस्टेंस चलने के बाद उसकी वेलोसिटी
20 मीटर पर सेकंड हुई है, ठीक है। और इसको टाइम कितना लगा इसमें, 300 सेकंड्स यानी कि 5 मिनट्स, ठीक है। सॉरी आपने किया या नहीं किया, ये भी 20 मीटर पर सेकंड क्या था, यहाँ पे छोड़ दिया टाइम 5 मिनट्स दैट इज 300 सेकंड्स, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, 20 × 20 × 2 × 15 = ओके 300 × 10, ठीक है ये था। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.6। अ कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर। अब इसमें हमको रेस्ट जैसा वर्ड नहीं दिया हुआ, स्टेशनरी जैसा वर्ड नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है? जी नहीं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस केस में जीरो नहीं है। इस केस में हमको क्वेश्चन में दिया गया होगा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। अकार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी दे रखी 18 किलोमीटर पर आवर। अच्छा रहेगा कि हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये ऐसे चला गया, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। ओके ये मेरे इनिशियल है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 36 किलोमीटर, ठीक है। फाइनल इज 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं कैसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई किया या 2 टाइम्स चला गया, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। ओके टाइम दे रखा है मैंने कितना, 5 सेकंड्स का टाइम दे रखा है। क्वेश्चन, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन निकालना, एक्सीलरेशन तो इजी है, दैट इज v - u / t। अब तो आपको पता चल गया होगा फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल 5, दैट इज 10 - 5/5, 5/5 दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, मुझसे पूछा है कि इस टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी। ओके डिस्टेंस कवर बाय द कार इन दैट टाइम, डिस्टेंस कितनी कवर की जाएगी, तो डिस्टेंस कवर करने के लिए दो फॉर्मूले हैं, दैट इज ut + ½ at² दूसरा है v² - u² = 2as। ओके अब देखो हमको चूज करना है कि इन दोनों में से हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। हम फॉर्मूला दोनों यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास v भी पता है, u पता है, एक्सेलरेशन पता है और t भी पता है, तो दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला हम इजीली यूज कर सकते हैं। बट ये कि कौन सा फॉर्मूला टाइम सेविंग है, कौन से फॉर्मूले से आंसर जल्दी आएगा और कौन सा हमारे लिए इजी रहेगा, तो उसकी तरफ चलते हैं। इस वाले फॉर्मूले में हमें फाइनल वेलोसिटी का भी स्क्वायर करना है जो कि एक नंबर है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर करना है जो कि एक नंबर है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन था हमने उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज किया था, क्यों, क्योंकि उसमें इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो थी और जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, तो इस वजह से हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था और उसमें टाइम का स्क्वायर करना पड़ता और टाइम हमें उसमें जो है 300 सेकंड्स था, तो उसका स्क्वायर बहुत ज्यादा हो जाता, इस वजह से हमने ये वाला फॉर्मूला यूज ना करके ये वाला किया था। बट इस केस में इस वाले क्वेश्चन में सिचुएशन अलग है, इस वाले फॉर्मूले को हम इस वाले केस में नहीं यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें हमको इन दोनों का स्क्वायर करना है। ये नहीं कि हमको स्क्वायर नहीं आता या हम स्क्वायर नहीं कर सकते, हम स्क्वायर कर सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा और हमारे पास टाइम की कमी होती है, तो इसलिए हम सेकंड वाले ऑप्शन को चुनते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 5, तो दैट इज 5 × 2, टाइम कितना दिया हुआ है 5 + ½, एक्सीलरेशन हमने निकाला है 1, ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है उसका स्क्वायर करते हैं, 5 × 25 = 25 / 2, दैट इज
25 प्लस 12.5 दैट इज 37.5 मीटर। ऐसा नहीं है कि ये वाला आंसर इस वाले क्वेश्चन, ये वाला आंसर इस वाले इक्वेशन को लगा के नहीं आता, ये वाला आंसर इस वाले इक्वेशन को लगा के भी आ जाता है, लेकिन हमको फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर करना पड़ता है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर करना पड़ता है, फिर दोनों को माइनस करना पड़ता, तब जाके हम इस वाले आंसर तक पहुंच पाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए कि कैसे हुआ है।